गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल गारंटी 100% में। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखते हैं कि आजकल डीजे रिमिक्स सॉन्ग यूट्यूब पे कितना छाया हुआ है, वैसे ही आप कैसे बना सकते हैं अपने नाम का डीजे रिमिक्स सॉन्ग। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में दिख रहे नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर। इससे क्या होगा कि जब भी हमारा कोई नई वीडियो आएगा तो वो आप सबसे पहले देख पाओगे। अपने नाम का डीजे रिमिक्स सॉन्ग बनाने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर की आवश्यकता पड़ेगा। सर्च बॉक्स में सर्च करना है साउंड ऑफ टैक्स। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। साउंड ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, टेक्स्ट और वॉइस। आप इंग्लिश में उसका वॉइस सुनना चाहते हैं या हिंदी में? चलिए हम इसको हिंदी में कर ले रहे हैं। जो नाम देना चाहते हैं डीजे सॉन्ग का वो नाम अपना लिख देंगे। चलिए हम अपना नाम राहुल डाल दे रहे हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आ गया है, दो ऑप्शन दिया है, प्ले और डाउनलोड। चलिए आपको हम प्ले करके बता दे रहे हैं। राहुल, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। चलिए हम बैक आ जा रहे हैं। डीजे रिमिक्स सॉन्ग बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगा जिसका नाम है काइन मास्टर। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ के प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। 16:9 का स्क्रिप्ट ले लेंगे। यहाँ पे एक मीडिया ले लेंगे। यहाँ एक बैकग्राउंड इफेक्ट ले लेंगे, कोई सा इफेक्ट आपको जो अच्छा लगे वो ले लेंगे। चलिए हम ये वाला इफेक्ट ले रहे हैं। का लेंथ हल्का बड़ा कर दे रहे हैं। लेयर पर क्लिक करेंगे। फोटो का आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से एक अपना जो भी फोटो सिलेक्ट करना चाहते हो फोटो ले लेंगे। एक फोटो को फुल स्क्रीन कर देंगे। का अल्फा ओपेसिटी कम कर देंगे हल्का। लेयर पर क्लिक करेंगे। फोटो के आइकन पर क्लिक करेंगे। जो हम डाउनलोड एक यहाँ इफेक्ट की आवश्यकता पड़ेगा डीजे इफेक्ट का, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहाँ से आप वीडियो इफेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको भी फुल कर दे रहे हैं। इसका हम साउंड बंद कर दे रहे हैं। इसके बाद क्रोमा की पर क्लिक करेंगे, इसको इनेबल कर देंगे।
अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसको सजाना चाहते हैं तो सजा सकते हैं। लेयर पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। चलिए हम अपना नाम दे दे रहे हैं, डीजे राहुल सोनी। या डीजे राहुल सोनी कलर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए ये वाला कलर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, आउटलाइन को इनेबल कर देंगे। कलर पर सेलेक्ट करेंगे, कलर सेलेक्ट कर लेंगे। हम कलर सेलेक्ट कर ले रहे हैं, इसी कलर का हम दूसरा डीजे सिलेक्ट करेंगे, कलर पर सिलेक्ट करेंगे। इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे। इसको हम एडिट कर देंगे। एडिट करने के लिए थ्री लाइंस पे बाएं तरफ पे क्लिक करेंगे। डीजे हल्का स्क्रॉल कर देंगे, इसको भी डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट करके चारों तरफ लगा देंगे। इस सब को लेंथ एक बराबर कर देंगे। जिस सॉन्ग पे अपना नाम रिमिक्स करना चाहते हो सॉन्ग ले लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए इस सॉन्ग पे अपना नाम रिमिक्स करना चाहते हैं तो अपना नाम ले लेंगे, ऑडियो पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके अपना नाम खोज लेंगे जो हम डाउनलोड किए हैं। राहुल प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, इसका ओपेसिटी हम इसका ऑडियो बढ़ा देंगे, वैल्यूम। चलिए आपको प्ले करके बता दे रहे हैं किस प्रकार मेरा रिमिक्स हुआ है। राहुल इस प्रकार आप अपने नाम का डीजे रिमिक्स सॉन्ग बना सकते हैं बहुत आसानी से और सिंपल तरीके से। चलिए इसको हम सेव करके बता दे रहे हैं आपको, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जिस रेजुलेशन में डाउनलोड करना चाहते हो उस रेजुलेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम 540 पे डाउनलोड करना चाहते हैं, इसको डाउनलोड कर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड हो रहा है।